खाली ना हो जाए कहीं है। ये और मेरी शादी होगी। वेलकम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग में। और कल की लंबी लाइव में 11:30 से मुझे तो 12 बज चुके थे और मुझे लग रहा था सुबह के समय तो क्या ही नींद खुलेगी, पर चलो बढ़िया हो गया कि नींद भी खुल गई अपनी टाइम से और वीडियो अभी एडिट चल ही रही है। और अपना टाइम आपको पता ही है, थोड़ा सा सुबह का हो चुका है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो चलिए जरा हाथ मुंह धोते हैं, फिर उसके बाद जो काम बचा कुचा रह गया उसको निपटाते हैं, फिर चलते हैं अपने खेतों में। और कल की लाइव में भी आपने ढेर सारा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आजकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। और अभी के समय में अपना नाश्ता पानी में ना थोड़ा लेट हुआ है और आज मैं बैलों को हकाने के लिए, यानी कि बैलों को, दादाजी के बैल है, दादाजी नीचे है तो बैल को छोड़ने आया था यहाँ तक। तो दादाजी और क्या हमारी बवाई हुई है, बुताई करने के लिए किसी और दिन लेके आएंगे बैलों को यहाँ पे ना अपने गांव में। तो दादा बोल रहे बिना बैल दिखाए लोग यकीन नहीं करेंगे तेरे पे, तो बैल दिखाने पड़ेंगे भाई साथ में ना। ये रे बैल यहाँ पे चल रहे। हाँ जी, हाँ विश्वास नहीं करेंगे ना तो हैं दादा कह रहे हैं। और मौसम देखिए भाई, काफ़ी मस्त प्यारा मौसम हो रखा है। और यहाँ से लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, नीचे ही है। और अगले महीने से यानी कि 3 तारीख से दादा वहाँ पे भागवत शुरू है ना, 4 तारीख से लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पे भागवत शुरू है और 3 तारीख को कलश यात्रा होगी और ब्यास जी को लेने जाएंगे उस दिन। हाँ, उसी दिन कलश यात्रा होगी और उसी दिन ब्यास जी का स्वागत भी होगा। सनातन की प्रेमी है। हाँ जी हाँ जी, आग्रह है कि उस कथा को श्रवण करें, ये सब लोगों की बड़ी खुशकिस्मती होगी। हाँ जी हाँ जी, बड़े भाग्य से मिलता है ये। सही बात है, आप भागवत सुनने के लिए बड़े भाग्य से मिलता है। हमारा हल दादाजी और के बैल ही लगाते, पहले हमारे भी बैल थे तो हमने फिर वो निकाल दिए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना बैलों के साथ में भी, उनके लिए घास लाना, बैलों को चराना, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है फिर, तो हमने बैल निकाल दिए। तो जब हमें ज़रूरत होती है तब दादा और के बैलों से हल लगाते हैं हम। अभी मैं घर की तरफ जा रहा था और यहाँ पे आकर जो आप देखेंगे तो इनकी भी भाई साहब बहुत छीमे हो रखी है। और इसको मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, गुन्नू को अच्छा। हाँ, इनकी छीमियाँ भी हुई है और इनकी मर्ची भी हुई है। और इसको मैं सुबह के टाइम पे आज पहली बार देखा धूप में बाहर निकलते हुए, खाली ना हो जाए कहीं है। इसीलिए ये मुझे बाहर दिखाई कम देती है, तो ऊपर काम भी चल रहा है। मर्ची नहीं टिपरी आज, आज छुट्टी में है और बाहर निकली भी है तो सीधा छाव में बैठी है। हाँ ठीक, बढ़िया है यार, काम जरूरी है। और ये जो पौधा है ना, इसको यहाँ पे बोला जाता है भीमल, गाय भैंस इसको खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा दूध देती है, इतना भी ज़्यादा नहीं देती पर दूध बढ़ जाता है। अब विमल भी बोल सकते हो आप इसको और भीमल भी बोल सकते हो। विमल विमल भीमल, अरे कुछ बाहर के लोग विमल भी, विमल भी बोलते हैं, विमल भीमल, भीमल का पेड़। तो यहाँ पे तो इसको भीहूल बोला जाता है। तो अभी के टाइम पे हम भी जाने का टाइम हो चुका है, हम भी चलते हैं घर की तरफ, सब लोग काम कर रहे हैं और मैं इधर वीडियो बनाता फिर रहा हूँ। तू तो पैसे कमा रहा, तेरी सैलरी आ रही है, हमारा क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रही भाई, हम लगे हैं यहाँ, फटड़े लगे हमारे। ये देखिए कैसे काले हो गए सब लोग गाँव में धूप से, इन्हें देखा थी, इन्हें देखा थी, ये देखिए। और ये कि ये जो छाव से हटी नहीं रही है। और एक हमें यहाँ देखिए धूप में 24 घंटे हाफ में ही घूमते हैं और काले हो गए। और जब मैं दिल्ली से आया था मैं क्या लाइट मार रहा था, और अभी देखिए भयंकर जैसे जैसे कोयला नहीं होता, कोयला वैसा हो गया मैं। हाँ लोगों के घास में डाल दिया मैंने उजाड़। और ऊपर से दादी भी आवाज दे रही है, यहाँ से दिख नहीं रही है ना दादी, काफी दूर है। बिल्कुल इसी तरीके से काम करना पड़ता है भाई, पहाड़ों में आओगे तो शर्म खोनी पड़ेगी, बिल्कुल सर में रख के ले जाना है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, सर में ले जाते है। हाँ भाग जाओगे, अंजलि भी बोल रही थी मैं भी भाग रही हूँ। काम यहाँ काम छोड़ के भाग रहे भाई यहाँ के लोग। हमारे 5 खुम लगे भाई। 5 खुम बहुत बड़ी बात है, हमारे साथ 3रा खुम लगा है, कल 3रा था, अभी 8-9 ही लगाते हम, ज़्यादा थोड़ी लगाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं लगा पाते। और
जहाँ तक मुझे लगता है घास वैसी रह जाता हम सभी का ना, इतना टाइम नहीं लग पाता। और जब घास की कमी होती है तो हम लोग खरीदते हैं फिर एक दूसरे से, किसी से भी जिसने ज्यादा काटा हो। तो आजकल दादी भी आ रखी है गाँव, और दादी यार दादी तिल कया कांड लगे ली तिल मेरी वीडियो फिर धुआं धुआं कया लग। दादी सब ठीक ठाक बढ़िया, तबीयत पानी बुखार भी नहीं है आजकल, ठीक छो। अच्छा ठीक है फिर बढ़िया। दी रोटा खाया चाहिए, रोटा खाई छित गई जे 4-5 गिलास चा पिया छे मोरी जी नीचे मोर मोर जान तो ये रुपया सता दर बाल रुपया क्या। दादी की हंसी खतरनाक है, इन्हें देखी दादी ये साइन और यहाँ पे देखेंगे ना तो सामने हमारी ये राजमा सुखाने के लिए डाली है, और ध्यान से आप आवाज सुनेंगे तो जितनी ज्यादा इस पे धूप लग रही है ना, ये जो ये अपना आप फुटते जा रही है राजमा की, ये जो ये है ना बक्खल बाहर की, तो ये अपना आप ही फुटते जा रही है जितनी ज्यादा तेज धूप हो रही है, फट फट कर रहे हो। फिलहाल तो अभी कुछ काम किया नहीं, पर अभी दोपहर का लंच भी कर रहे हैं साथ ही में। और यहाँ पे देखिए अंजलि के फतड़े लग गए, काम कर करके सकाली अजीब सी हो चुकी है, उसको अब हाथ मुंह धोने का टाइम भी नहीं है। कैसा लगा अंजलि? बहुत बढ़िया। तो अगली बार ना जब अगले महीने जब आएगी ना अगली बार से काम करने के लिए, तो थोड़ा टाइम से आ जाइए, इस बार लेट आई, अभी टाइम से काम खत्म हो जाता। और शाम के समय मैं अपनी गौशाला की तरफ आया था, तो अभी के समय पे मैं सोचा कि यहाँ पे कोई दिखेगा मिलेगा, पर ज़्यादातर लोग अपने सभी खेतों में ही गए हैं, तो अभी हम दोबारा से चलते हैं। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे गौशाला के नीचे राजमा होंगी, पर यहाँ पे पापा और सुबह में आए थे और सारी राजमा निकाल दिए, तो खाली हो चुका है खेत। और सो अभी के टाइम पे ना रात भी हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए खुम लगाने के बाद भैजी से कुमार निकाले जा रहे हैं, और भाभी निकाल दिए कुमार। नहीं कुमार आजकल चिपकते ही है ना ये खुम लगाने की वजह से, खतरनाक ही कुमार होते घास में। हाँ, और एक बार एक कुमार अलग ही होता है, क्या बोलते हैं उसको जो अंदर अंदर को जाता है बिल्कुल ही, कुमार सबसे हाँ रामबाण। और पायल भी आ चुकी है, ये भी बेचारी कुमार टीप रही है, रे रामा रोने लग गई, रुइयो मत हाँ भाई हम क्यों रोएंगे। और साथ में एक एक गरम गरम चाय भी बन रही है हमारे, तो चाय पी के जाएंगे। और इधर पारा पारा कितने कुमार लगे देख हाँ। तो यहाँ पे इन्हें दिखाई थी, तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पारा ने इतना थप्पड़ निकाल दिया कुमारों का, और इससे ज्यादा और बाकी है। और अभी के टाइम पे ना सभी लोग काम काज करके घर पे आ चुके हैं, और पहले हम भी ना जब छोटे थे तो बचपन में बहुत ज्यादा भूख लगा करते थे, बासी तिबासी भात भी खाए जाया करते थे, और पहले मंडुआ ज्यादा होता था तो क्वाथ की रोटियां ज्यादा बनाया करते थे घर पे ना, तो हाँ झुंगुर तो क्वाथ की रोटियां होती थी, उन्हें भी दमसा जाता था कड़कड़ी रोटियां हाँ आपस में ना हाँ, तो ऐसा हाँ उसमें भी ना कि चाय के साथ एक रोटी खानी है सुबह के समय भी, बासी तिबासी, तो बचपन में मतलब कम उम्र में ज्यादा भूख लगती है एक हिसाब से, और अब नहीं लगती, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो भूख भी कम होती जाएगी, तो एक एज तक ही भूख लगती है। और साथ में ही यहाँ पे पारे ने देख, ये है पारा और इधर है पायल, और ये प्रदीप और प्रकाश, प्रदीप जो मेरे साथ में रहता था काली, तो वो अभी जा चुके हैं शहरों में ड्यूटी करने के लिए, और धीरे धीरे करके जब जब छोटे थे तब खूब चहल पहल होती है घरों में, और जैसे जैसे और जैसे जैसे करके बड़े होते जाते हैं हाँ, तो और जब घर में भीड़ होती है तो खूब सारी चहल पहल होती है, सभी में आपस में झगड़े होते हैं भाई बहनों में, हमारे में भी होते थे, और जैसे जैसे बड़े होते जाते तो धीरे धीरे करके शहर की तरफ जॉब करने के लिए चले जाते हैं, और घर भी धीरे धीरे करके खाली होने लग जाता है, तो हम भी और ये भी चले जाएंगे, फिर लास्ट में यहाँ पे ऐसे ही दिखाई देंगे दो बूढ़े बैठे हुए। और एक टाइम पे हमारा नहीं था कि हम भी तो 5 भाई बहन थे, और धीरे धीरे करके सब शादी होने लगी, फिर हम जॉब के लिए दिल्ली में, गांव में खाली, फिर मम्मी पापा अकेला, और बचपन में क्या चहल पहल रहती थी घर में, लड़ाई झगड़े मार भी तो खा हाँ, मार तो हमेशा ही खाई है हमने। पहाड़ों की लाइफ स्टाइल ही अलग है भाई, पहले से ही अलग रही है, और अभी के टाइम पे ये चीज़ें अब आने वाले समय में बहुत कम ना मात्रा में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब शादी के बाद ना हर कोई शहरों की तरफ जा रहा है भाई, यहाँ पे जिसकी शादी हो रही है वो शहर में जा रहा है, जिसकी शादी हो रही है वो शहर में जा रहा है, तो साथ में के गर्म गर्म चाय भी पीते हैं। और मेरी शादी होगी
तो मैं शहर में नहीं जाऊंगा और इस वजह से मुझे लड़कियां नहीं मिल रही है। लड़की आजकल हर कोई शहर में जाना चाहती है। तो काफी देर से बैठे रह गए, चाय ठंडी ना हो जाए मेरी, चाय पीते हैं। तो नीचे से चाय पी के भी आ चुके हैं यहाँ पे हमारे सोविन भाई। हाँ चीमी टीप रहे हैं। तो लगे हैं यहाँ पे सीमा लगी है और वही जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पीछे की तरफ यहाँ पे करेले रखे भाई, ये है पहाड़ी करेले। कितने सारे उनके सब्जी ऐसी फेंकी, तो आज यही बनेंगे, आज खरबूज बनने वाला है, आज ये नहीं बनेगा। तो ये कल परसों कभी भी बना सकते हैं। पर इनके ना जो ये हैं, क्या बोला इनको मैंने, भूल गया, करेला, करेले, करेले के सूखे भी डाल सकते हो आप, इसको लंबे टाइम तक चला सकते हैं इन सूखे को ना। हाँ खरबूज के भी आप, ये जो सीताफल है सामने रखा है तो उसका भी सूखे बनाते, बहुत लंबे चलते हैं। तो सब्जी काफी अच्छी होती है दोनों की। और सुविन भाई क्या कह रहे थे आप? तो चलिए अभी जरा सुविन भाई फोन में आ रखे, कैमरा बंद करते ना तो फोन ना तोड़ दे हमारा। नहीं फोन नहीं तोड़ दो भाई। और अभी के टाइम पे ना राजमा भी छिल चुकी है, पर इतने सारे कूड़े के साथ में ना इतनी राजमा निकली बस। पर ठीक है, बढ़िया, इतने भी बुरा नहीं है। ये अपना सर्दियों तक का इनका कोटा हो गया, सर्दियों तक बहुत है, गर्मियों तक नहीं होगा, ये नहीं चलेगा इतना। क्योंकि यहाँ पे जब राजमा होती है ना तब राजमा खाते और करेले देखिए भाई, मेरी नजर तो इन पे ही जा रही है बार बार। और अभी के टाइम पे हमारी भी साथ में ही रोटियां बन रही है घर पे बढ़िया से, और सब्जी बन चुकी है टाइम से ना। तो आजकल घिया कहाँ से आया ये? अच्छा तो ये दूसरे गाँव से लाए थे शायद, वहाँ पे घिया खूब लगे हैं। तो अब इंतजार करते हैं बनने का। क्या हुआ तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या धीरू? क्यों खाना? अच्छा, और साथ में यहाँ पे चाची और बैठे हैं। ये डलून भाग रहे क्या कहीं? कहाँ भाग रहा है ये? रोड खाने वाला। अच्छा रोटियाँ भी खाएंगे, और बहाना कैसे देख रही है। और जो इन्होंने टीवी खराब कर दी थी ना उसको अभी चाचा बना रहे। और जिन घरों में हम रहते तो हम क्या करते कि घर के अंदर भी ना चूल्हा जलाते, तो चूल्हा जलने की वजह से जो ऊपर का एरिया ये पूरा ऐसा हो गया जैसे पेंट जैसा, तो जहाँ धुआं होता है वहाँ काला होता है। और टीवी के पीछे की हालत देखिए, बिल्कुल ये भी काली हो चुकी है, खतरनाक ही। तो चाचा इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन चाचा को पूरा काम आता है लाइनमैन का, और साथ में ही लाइनमैन का काम भी करते हैं चाचा। ट्रांसफार्मर में कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम करा लो चाचा को। तो ये टूटा है चाचा ने, देखो कमी पकड़ दी है इसकी भी। तो ट्रांसफार्मर से लेके कुछ भी चीज सारे काम चाचा को आते हैं, लाइट फिटिंग वगैरह ए टू जेड। इंजीनियर है भाई चाचा अपने टाइम के रहे हैं, और आज के टाइम पे भी चाचा लाइट का ही काम करते हैं। तो चुप के लो चाची, चाची चुप हो गई क्यों? अरे मैं टीवी देखे हो गई कि टीवी हो गया खराब। अच्छा सॉफ्ट हो गई है, कोई नहीं आ जाएगी टीवी भी आ जाएगी। हाँ हाँ पुरानी हो गई एक्चुअल में, ये किसी ने गिफ्ट की थी सेकंड हैंड, वैसे ही दी थी चाची और अगर, और वो अब खराब हो चुकी है। खराब नहीं हुई, बन जाएगी, चाचा भी रिपेयर कर देंगे उसको। और सो अभी के टाइम पे अपना भी खाना बन चुका है, और साथ में ही खाना भी खाते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अब एंड भी करते हैं। वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी को नए ब्लॉग में, टेक केयर एंड गुड बाय।